अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कल तीसरे मरहले का चुनाव है और मोदी की कैसे टैम टैम फिश हो रही है देखो। प्लीज मोदी भक्त इस वीडियो से दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि बेचारे प्रधानमंत्री अब नौटंकी पर उतरे हैं। पहला दूसरा चुनाव का मरहला क्या हुआ, फिर से उन्हें भगवान राम का सहारा लेना पड़ रहा है। अब चुनाव के इसी माहौल में अयोध्या जाकर राम के चरणों में अपने आप को सौंप देना पड़ रहा है। यहां भी आपने देखा होगा कि कैसे पूजा की थाली में कमल के फूल लिए पहुंचे हैं, मतलब यहां भी चुनाव का प्रचार। मैंने कईयों को देखा है कि पूजा के लिए गेंदे के फूल, जिसे बेलगाम इलाके में झेंडू कहा जाता है, वो फूलों से पूजा की जाती है, पर यहां भाजपा का कमल फूल को पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, जहां मथुरा में पानी में उतरने वाले मोदी खुद टाइल्स पर ही चादर बिछाकर नमस्कार कर रहे हैं, चलिए अब आखिर में शायद भगवान ही इन्हें बचा दे, लेकिन हालात इनके हक में नजर नहीं आ रहे। तीसरे चरण यानी तीसरे मरहले की वोटिंग कल होनी है। रामनवमी के दिन राम मंदिर को जाने वालों को देखा है, पर चुनाव के वक्त राम मंदिर जाने वाले शायद मोदी ही होंगे। खैर, अब जब कल चुनाव है तो भाजपा संग आखिर मुस्लिम दुश्मनी क्यों करते हैं, आखिर इनकी मानसिकता क्या है। हमने कल के वीडियो में आवाम की राय क्या है और किन मुद्दों को इस चुनाव में आवाम ने तस्लीम किया है, इस पर भी बात हुई थी। आज थोड़ा इनका मुख्तसर पस मंजर देखते हैं। भाजपा जो कभी जनसंघ थी, भारत के संविधान को इन्होंने पहले से ही तस्लीम नहीं किया। जिन्ना और आरएसएस टू नेशन थ्योरी को ही मानते रहे। भारत में हिंदू मुस्लिम दो बड़े तबके हैं। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया तो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस तरह की सोच इनकी रही। पर आजादी के बाद कांग्रेस ही के पास कमान रही और इख्तदार पर कांग्रेस ही अक्सर वक्त फाइज रही। चाहकर भी भाजपा अब तक कुछ नहीं कर पाई, लेकिन 1990 के दौरान बाबरी मस्जिद की तहरीक और राम मंदिर कहते हुए अवामी बेदारी चलाई गई, जिसका फायदा भाजपा को हुआ। खैर, कांग्रेस में भी संघ विचारधारा के लोग रहे, हिंदू मुस्लिम फसाद की अपनी पुरानी तारीख रही है। पर थोड़ा गहराई से अगर इस पर भी नजर डालते हैं तो इन तमाम फसादात के पीछे भी हिंदुत्व सोचो फिक्र होने की बात बारहा सामने आती रही है। हाल ही में, मतलब ये जो मोदी का दौर रहा 10 साल का, किसी भी जुलूस को मुस्लिम मोहल्ले से ले जाकर मस्जिदों पर भगवा परचम लगाने, किसी गरीब मजदूर को महज मुसलमान होने की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग वगैरह करना आम सी बात बन गई। 2014 के चुनाव के बाद मोदी का करिश्मा देखने को मिला। लोगों को ऐसे लगा कि हमारा कोई मसीहा आया। पहले तो सबका साथ का नारा देने वाला और हर भारतीय को घर रोजगार देने का वादा करने वाला तो एक झूठा बहुरुपया समझने के लिए 10 साल गुजरे। अपने आप को खुद ही भगवान साबित करने की कोशिश करता रहा और ऐसा चमत्कारिक बाबा जो कुछ भी कर सकता है, लिहाजा चाय बेचते हुए किसी ने भी नहीं देखा। इसकी कोई डिग्री नहीं है। तड़ीपार गृह मंत्री मशवरे फराहम कर ही रहा था। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी ने आखिर आवाम के सब्र के पैमाने को छलकने पर मजबूर कर दिया। अब लोगों ने समझ लिया, जिसे हमने अवतार और न जाने क्या क्या समझ लिया था, वो तो एक ढोंगी बाबा है। पूरे 10 साल में सिवाय जुमलेबाजी के कुछ भी हाथ नहीं लगा। खैर, कुछ भक्त मंडली आज भी समाज में है जिन्हें 1000 रुपए पेट्रोल होने पर भी मोदी को ही वोट देना है, पर अक्सर आवाम को ठगे जाने का एहसास होने लगा। एक तरफ मुसलमानों को दिखाकर अक्सरियत हिंदुओं से ही हफ्ता वसूली की जाने लगी। ताली थाली बजवा कर इन्हीं की जिंदगियों से वैक्सीन के जरिए खेला गया। देशभक्ति का वास्ता तो दिया तो जा ही रहता, पर पुलवामा में 40 जवानों की शहादत को भी शक के दायरे में लाया जाने लगा। जहां चीन को आंखें लाल कर पैगाम देने के बजाय चीन को 6000 किलोमीटर अंदर घुसने देकर गांव बसने दिया। डॉलर के मुकाबले में रुपये की हालत पतली बना दी गई। साथ में हिंदू मुस्लिम भी चल ही रहा था। महंगाई बेरोजगारी तो तारीख के मियार पर पहुंच ही रही थी। भुखमरी की रैंकिंग में भारत आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा था। लेकिन जब भी भूख महंगाई बंद फैक्ट्रियों पर सवाल पूछा जाता तो CAA NRC समान नागरिक कायदा यानी कि एक्सा सिविल कोड ज्ञानव्यापी मथुरा राम मंदिर को सामने लाकर मुद्दों को भटका दिया जाता। बिचारी भारत की आवाम आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे का नारा लगाते हुए सो जाते रहे। पर अब सब्र का बांध टूट चुका है। ढोंगे बाबा का रूप आवाम ने पहचान लिया है। अब इनके पास कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा। अब तो वजीर आजम मोदी कमल के फूल को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो हर जगह पर ये मोदी की गारंटी या मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जब तक है, जैसे डायलॉग वजह हुआ करती थी। लेकिन 2 मरहलों के बाद तीसरा मरहला भी हाथ से निकलता देख मोदी ने कमल फूल को आगे करना शुरू किया। मतलब साफ है, हार भी जाए तो ठीक रहा, किसी के सर तो फोड़ना है। लिहाजा हर बात में मोदी को अब धीरे धीरे फ्रेम से दूर किया जा रहा है। तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। और इस तमाम चुनाव में सबसे अहम बात योगी आदित्यनाथ कहीं नजर नहीं आ रहे, वरना तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली टीम ही हुआ करती थी। कई जगहों पर धर्म संसद लगाकर मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले भी इस वक्त कहीं तो गायब नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का डर तो इन्हें नहीं है, क्योंकि तमाम सरकारी एजेंसियों को तो इन्होंने अपनी जेब में ही रखा है। मतलब
कुछ तो गड़बड़ है, कहीं चुनाव के नतीजों से पहले ही भाजपा मैदान से बाहर तो नहीं जा रही, ऐसी चर्चा भी जारी है। अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, अरुण गोविल और ज्योति मिर्धा जैसे कुछ भाजपा कायदों ने खुले मंचों से संविधान बदलने की बात कही है। दलित अकलीती तबका भाजपा के विरोध में खुलकर वोट कर रहा है। बेलगाम में भी कल चुनाव के मद्देनजर तमाम मोहल्लों में देर रात सरगर्मियां देखी जा रही है। अक्सरियत हिंदुओं को मुसलमान वोट जिहाद कर रहे हैं कहते हुए जगाने की भी कोशिश आरएसएस हिंदुत्व तंजीमें कर रही है। कर्नाटक में 15 से 18 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है ऐसा कयास लगाया गया है। लिहाजा यह मुख्तसर तबसरा भाजपा का जिन्होंने देश को गुमराह करने का किया है, जिसका एहसास भारतीयों को हो रहा है। 10 साल नफरत, अदावत, झूठ, धोखे के अंधेरों से एक नई सुबह की तरफ देश निकल पड़ा है। तमाम भारतीयों के हक में बेहतर फैसले हो यही उम्मीद करते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।